ओम गुरुवे नमः। ओम लीन लगले परमेश्वरी लीम ओम स्वाहा। बड़ी खुशी की बात है, मेरा मन बहुत प्रसन्न है ये सोच के, ये जान के कि मैं गुजरात की यात्रा पर जा रहा हूँ। बगलामुखी शक्तिपीठ की स्थापना के बाद सौराष्ट्र में माँ बगला प्रकट हुई थी हरिद्रा सरोवर में, और वैसे भी गुजरात भगवान श्री कृष्ण का बड़ा प्रिय क्षेत्र रहा है। भगवान श्री कृष्ण विष्णु रूप में बगला के आराधक थे। बगला को प्रकट करने वाले प्रथम देवता भगवान श्री हरि विष्णु ही हैं। बगला माँ के आशीर्वाद से वो अपराजेय बने। बगला माँ पीताम्बरा है, भगवान विष्णु पीताम्बरधारी हैं, और बृहस्पति ग्रह बगला माँ भगवान विष्णु ये सब एक हैं। संपूर्ण ब्रह्मांड के सभी शत्रुओं को स्तंभन करने के लिए महाविद्याओं में जिस शक्ति का नाम आता है उसको कहते हैं समस्त शत्रु स्तंभिनी ब्रह्मास्त्र महाविद्या बगला मुखी। जीवन की जितनी भी समस्याएं हैं बिना शक्ति के काटी नहीं जा सकती है। और ब्रह्मास्त्र के बारे में सारी दुनिया जानती है कि बहुत जबरदस्त शक्ति है। और बगला मुखी कुल ब्रह्मास्त्र महाविद्या नहीं है, वो नारायणास्त्र भी है, पशुपतास्त्र भी है, क्योंकि वो तीनों प्रमुख देवताओं की शक्ति का मूल पुंज है। और स्तंभन का तात्पर्य होता है कि हर बाधा को रोक दे। बगला मुखी माँ समूह से प्रकट हुई देवी है, लक्ष्मी समूह से प्रकट होती है, विष्णु समुद्र में रहते हैं। बगला मुखी माताएँ समुद्र को अपने लेवल पर रखती है, नहीं तो समुद्र तो कभी भी प्रलय कर दे। तो जो रियल लक्ष्मी को उपासक हैं, जो चाहे पीला चंदन लगाएं, पीला टीका लगाएं, किसी प्रकार का लगाएं, सम्मोहन आकर्षण वशीकरण कृष्ण की देवी, संपूर्ण ब्रह्मांड को स्तंभन करने की देवी, सारे शत्रुओं को नाश करने की देवी, सारी गरीबी दरिद्रता को दूर करने की देवी, सारे भय को दूर करने की देवी, एकदम निश्चिंत बना के भरे समुद्र में आनंद के साथ ले सुला सकने वाली देवी का नाम है भगवती श्री बगला मुखी। मैं गुजरात प्रवास में सूरत की तरफ हम लोग जा रहे हैं, हमारे साथ पंकज भाई हैं और भी कई भक्त लोग रहेंगे, और इसी बहाने हम वहाँ जाके स्वामीनारायण के भक्तों से मिलेंगे, स्वामीनारायण जी से मिलेंगे, अनेक संतों को मिलेंगे। वैसे भी गुजरात बड़ी संतों की नगरी है, वहाँ तो सभी कृष्ण कृष्ण ही हैं। तो चलिए हम लोग बोलते हैं जय बगला माई, जय श्री कृष्ण, जय स्वामीनारायण, मेरा सबको आशीर्वाद है।